आरा जेल में बम कांड में सजा काट रहे कैदी को वीडियो वायरल होने से पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। ये वीडियो कैदी अखिलेश उपाध्याय का, इसमें वो जेलर और अन्य अफसरों पर जेल में फोन एवं नशीले पदार्थ सप्लाई करने और वसूली के आरोप लगा रहे हैं। हमारा जेल से अखिलेश उपाध्याय मूसा बोल रहे हैं। हम बम ब्लास्ट आरोपी में हम बंद हैं जारा जेल में। हमको रोशन जेलर और प्रिया जेलर हमको मोबाइल देते हैं, 3 मोबाइल दिए हैं और गांजा हीरोइन बेचवाते हैं। भरद्वाज जी वकील साहब हैं पटना के, मर्डर केस में वही सब करवाते हैं और 13 नंबर वार्ड में सप्लाई भी करवाते हैं। और नहीं तो खाना पीना के हम अनशन करने को तैयार रहते हैं तो लोग मैनेज कर रहे हैं। मोबाइल तोबाइल चलाओ तुम क्या फायदा में है, सब खाना बहुत कम देते हैं। बोलने के बाद आदमी सेल में बंद करके 50,000 रुपये मांग करते हैं, नहीं तो भरद्वाज जी जाकर मांग करते हैं, नहीं तो लड़के की विदा करते हैं, तब उसको निकालते हैं। और बोलने के बाद न तो चलाने का लोगों पैसा हो गया है, DMI जी के यहाँ करवा के चलान कर देते हैं। गोदाम सब अपडेट काट के और कहते हैं कि बाहर मैनेज करना है, DMSP को कहाँ से देंगे, घर से। और संदीप सर को 50 लाख रुपये देकर हम लोग सस्पेंड कराए हैं। हम लोग को 50 लाख रुपये चाहिए कैसा हो, तू लोग सोचो इतना दिन पुराना बंदी क्या करता है तू लोग। दर्शन मामला सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहन गांव का बताया जा रहा है, जहां कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रामायण चौधरी अपने घर के बाहर दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे और उनके आदमी झाड़ू लगाकर कचरे को उठा रहे थे। उस दौरान स्प्लेंडर बाइक पर अपराधी आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। हालांकि इस गोली चलाने के मामले में रामायण चौधरी और उनका बेटा बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर जिले की पुलिस को आज एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने CSP लूट की योजना को विफल करते हुए 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी SSP राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। SSP ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि मोतीपुर बस स्टैंड के पास CSP लूट की योजना बनाने के लिए कुछ अपराधी एकत्रित हुए हैं। सूचना के आलोक में एक टीम बनाकर उक्त स्थल पर छापेमारी की गई। पुलिस टीम को देखते ही सभी अपराधी भागने लगे, लेकिन पुलिस टीम ने सजगता व साहसपूर्ण कार्रवाई कर भाग रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के क्रम में इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देशी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस व 2 चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान शिवाईपट्टी के अरविंद कुमार, छोटू कुमार उर्फ राजा, मृत्युंजय कुमार, विवेक कुमार और पूर्वी चंपारण के ब्रजमोहन कुमार के रूप में हुई। SSP ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। मोतीपुर थाने के अंतर्गत सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी अपराध का योजना बना रहे। DIU का ऐसा इनपुट आया था, DIU के जो इंस्पेक्टर अनिल कुमार और जो मोतीपुर के थाना अध्यक्ष हैं शंभू कुमार, इनके द्वारा वहाँ पर ज्वाइंट रेड की गई बस स्टैंड के पास। वहाँ पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से 3 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और बाकी उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इनके पहले इनकी और किस किस घटनाओं में संलिप्तता रही है। हालांकि इन 5ों ही अभियुक्तों का एक आपराधिक इतिहास रहा है जो जिले के विभिन्न थानों में है और जो हम लोगों की सीमावर्ती जिले हैं वहाँ भी। बरामद क्या क्या है इनके पास से 3 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें से 2 पिस्टल, 1 कट्टा और 4 राउंड जिंदा कारतूस और 2 चाकू हैं।